वेलकम बैक टू माय चैनल। फूलों वाले पौधे ग्रो करना सभी को बहुत अच्छा लगता है और विंटर में काफ़ी सारे हमें प्लांट्स की ऑप्शंस मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पूरी सर्दियां हमें उनके बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करना है, तो मैं आपके साथ 8 प्लांट ऐसे शेयर करूँगी जो कि बहुत ही खूबसूरत और लंबे टाइम के लिए आपके पास फ्लावरिंग करते रहते हैं। एक दफ़ा उनके फ्लावर्स खिल जाएं तो वो काफ़ी देर आपके गार्डन की रौनक को बढ़ाते रहते हैं। तो वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, ताकि इसी तरह की गार्डनिंग की वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। तो चलें देख लेते हैं वो ऐसे कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और लंबे अरसे तक चलने वाले हैं। पहला प्लांट जो है वो है जी रोजीज़ का, फूलों का बादशाह है जी, और विंटर में इतनी खूबसूरत ये भर भर के फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इसको आप गमले में भी बहुत आराम से उगा सकते हैं। इसमें इंग्लिश और देसी दोनों रोजीज़ की वैरायटीज़ हैं। इवन के इसमें आपको बहुत छोटे जो रोजीज़ हैं वो भी, बटन रोजीज़ भी कहते हैं उनको, और वाइन्स भी होती हैं इनकी, बेलों वाले गुलाब भी मिल जाएंगे आपको। तो जौन सी वैरायटी आपको ऐड करनी हो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके फूल बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं पूरा विंटर, और इसके फूलों का साइज़ विंटर में बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है। मैंने विंटर केयर पे एक वीडियो भी इसका शेयर कर रखा है, वो भी वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद है कलांचो का प्लांट। ये वैसे तो पूरा साल चलता है हमारे पास, लेकिन फ्लावरिंग जो है वो सिर्फ विंटर में करता है। इसके ऊपर एक लंबा सा स्टॉक निकलता है, उसमें काफ़ी सारे फूल खिलते हैं जो कि काफ़ी देर खिले रहते हैं। ये वाला प्लांट जो है वो सेमी सकुलेंट है और सकुलेंट की वैरायटी से ही बिलोंग करता है। इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तो बहुत ही खूबसूरत कटिंग से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। इसमें आपको हाइब्रिड भी मिल जाएगा, तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। उसके बाद है जी बिगोनिया का प्लांट, और ये भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशंस में फ्लावरिंग करता है। जब इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है उस वक्त इसकी पत्तियों के कलर्स ही इतने खूबसूरत हैं कि वो आपके गार्डन को बहुत ही हरा भरा रखते हैं, लेकिन जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आता है तो ये बहुत लंबे अरसे के लिए विंटर में आपके पास खूबसूरत सी फ्लावरिंग करता रहता है। तो एक अगर आप परमानेंट कुछ प्लांट्स ऐड करना चाह रहे हो अपने गार्डन में जो कि आपको फूल भी दें और उनके फूल लंबे टाइम के लिए खिले रहें, तो आप इन सभी प्लांट को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जैसे जैसे मिलते जाएं ऐड करते जाएं इनको अपने गार्डन में। जिरेनियम का प्लांट है, ये प्लांट भी अगर आप थोड़ा केयर करेंगे तो समर में आपके पास चलता रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में ही आके करता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन पत्तियों वाला पौधा है। इसको भी आप नर्सरी से बाय कर सकते हो। इसमें भी इस तरह से स्टॉक टाइप निकलता है और उसमें काफ़ी बंचेस में फ्लावर्स आते हैं। इसमें कलर्स की काफ़ी वेरिएशंस हैं, तो जौन सा भी आपको पसंद आए या मिल जाए आप उसको अपने गार्डन की रौनक बढ़ा सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। स्टॉक प्लांट है, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, ये सीजनल है। इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में बहुत टाइम इसे ग्रो किया है, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स आते हैं, सिंगल पेटल में भी और डबल पेटल में भी। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। पूरा विंटर जब एक दफ़ा इसका स्टॉक खिल जाता है तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसके फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे ही खिले रहते हैं, जो कि देखने में इतने प्यारे लगते हैं। काफ़ी खूबसूरत कलर्स हैं इसके। उसके बाद है हमारे पास हॉली हॉक्स, और इसमें भी इस तरह से एक लंबा स्टॉक निकलता है और उसमें काफ़ी ढेर सारे फ्लावर्स खिलते चले जाते हैं, और कुछ टाइम के लिए वो फ्लावर्स ऐसे ही खिले रहते हैं। सीड से ग्रो हो जाने वाला बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसको आप सीड से बहुत अच्छे से अभी भी उगा सकते हैं, कहीं से सीड मिल जाए या फिर बाय कर लें, या फिर आप इसकी सैपलिंग नर्सरी से लेके आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से कलर्स हैं इसके, काफ़ी सारे कलर्स में अब तो अवेलेबल है, तो जो भी आप चाहें या फिर सारे ऐड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा अपने गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग का विंटर का प्लांट है। पेटूनिया का प्लांट है, पेटूनिया में भी एक दफ़ा फ्लावरिंग आ जाए तो ये काफ़ी दिन चलती रहती है इसकी फ्लावरिंग, और ये इस तरह से गमले को भर देता है। ये भी विंटर का ही फ्लावरिंग प्लांट है, और इसको आप सीड से बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हो, चाहें तो नर्सरी से ले आएँ। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशंस के फ्लावर्स हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहें तो आपकी बास्केट काफ़ी दिन तक बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स से भरी रहेगी और देखने में कितनी खूबसूरत लगेगी।
वर्बीना का प्लांट है, इसमें भी गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। और ये प्लांट जो है ये समर में केयर करेंगे तो भी आपके पास चलता रहेगा, और विंटर में भी आपको बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग देगा। तो कुछ प्लांट इसमें सीजनल हैं, कुछ आपके लिए परमानेंट हैं प्लांट्स, लेकिन इन सब पे बहुत ही लंबे अरसे के लिए फ्लावर्स खिले रहते हैं और ये आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत सा बना देते हैं। तो आप इन सभी प्लांट में से जौन सा आपको मिल जाए, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने गार्डन में ऐड कर लें। एक जानिया का प्लांट है, इसके फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत हैं। ये प्लांट जो है वो डिवाइड होता रहता है, इसको आप अगर ले आएंगे तो ये पूरा साल ही चलता रहेगा आपके पास, फ्लावरिंग करता रहता है समर में भी और विंटर में भी, बहुत ही खूबसूरत सी। तो इसका अगर एक पौधा होगा तो ये खुद से ही काफ़ी सारे तैयार हो जाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग आती है इनके ऊपर। सभी पौधे बहुत खूबसूरत हैं, ज़रूर ऐड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।